सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। चमोली में फटा बादल, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। लोगों ने भाग कर बचाई जान। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हालांकि लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बादल फटने की वजह से बिजली भी गुल हो गई, जिसके कारण लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। विकास खंड देवास स्थित पदमल्ला के ऊपर बादल फटने से गदेरा उफान पर आने से करीब 10 घरों की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं। इस घर में सो रही मां बेटी लापता हो गईं, जिनकी तलाश अब भी जारी है। रोते बिलकते इन लोगों के मुश्किल का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि इनके सामने सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। बादल फटने की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लोग बेघर हो गए और साथ ही उनके पास मात्र एक जोड़ी कपड़ा रह गया है। ऐसे में इनकी आप बीती आप खुद सुनिए, कितने मुश्किल दौर से ये गुजर रहे हैं, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी। रात से परेशान है सर, यहाँ नदी ने हमारे पूरा मकान घेर उखाड़ लिया है और पीछे मेरे भाई का मकान खत्म हो गया और मेरे मकान भी पानी आ गया सर। हमारे रहने का कुछ व्यवस्था नहीं है और ये बदन में जो कपड़े है वो ये कपड़े है। हम बहुत परेशान हो गए सर। रात में 12:30 में नदी आई यहाँ पे, हमको सामान निकालने के लिए कभी मौका नहीं मिला। अब जान का खतरा बड़ा मुश्किल बाहर निकल, एक गांव के जो कपड़े हैं वो ये पहने। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से रात के समय ही नदी के आसपास बसे घरों में रहने वाले लोगों को घर खाली करने के लिए कहा गया। लोगों से अपील की गई कि वो सुरक्षित स्थान पर रुके। इस घटना से लोगों का हाल बेहाल है, बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। लोग मदद के इंतजार में हैं। हालांकि मौके पर जिला प्रशासन की टीम पहुँच गयी है और राहत बचाव कार्य भी शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।